ॐ श्री साई नाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ श्री साई नाथाय इस युद्ध में ऐसे कई सिपाही हैं जो शहीद हो गए, जिनका नाम दुनिया को पता नहीं। ऐसे लोग सैकड़ों में नहीं, लाखों में हैं। ये लोग अपने देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। उनके सामने अगर एक और उनका परिवार हो और दूसरी और देश, तो वो देश की रक्षा के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं। बारिश, धूप, तूफान, ये सब उनका रास्ता नहीं रोक सकते। यही इनकी पहचान है, यही है हमारी इंडियन आर्मी, यही देश की शान है। चाहे कैसी भी मुसीबत आए, हमने उसका सामना किया है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ये वीरों की पहचान है जिसे सारी दुनिया ने माना है। मौसम आते जाते रहेंगे, मगर इस देश की शान के लिए हम अपनी जान लुटाते रहेंगे। मेरे देशवासियों, आप लोग चिंता मत करो, आप लोगों की रक्षा में मैं तैनात हूँ। कल मैं जिंदा रहा तो गुड मॉर्निंग कहूँगा, नहीं तो मेरे भाई दोस्त आएंगे और आपकी रक्षा में फिर तैनात हो जाएंगे। मिसेस संध्या, वेलकम, आइए।
सुनिए, आपने इस देश की मरते दम तक सेवा की है, इसलिए सरकार ने आपको ये सम्मान दिया है। मुझे आप पर बहुत गर्व है। आज कितनों को उड़ाना है? 8 को। खूनी अजमत खोर, वो सारे हरामियों को जो कुरान के खिलाफ चलने वाले हैं। ये क्या लिख रहा है आपको समझ नहीं आ रहा होगा और समझने की जरूरत भी नहीं। यहाँ आतंकवाद व्यापार बन गया है और इस व्यापार में इन्वेस्ट करने वाले पाकिस्तान के राजनीतिक लोग हैं। काबुल जेल में तालिबान का आतंकी राज चलता है और फांसी की सजा होते वक्त अचानक कोई फांसी रुकवा देता है। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो, ये तुम्हारा आखिरी वक्त है। अल्लाह से कहो कि वो हमारे गुनाहों को माफ कर दे। रुक जाओ। ये आदमी फांसी की सजा वाले कैदियों की जान बचाकर उन्हें उम्र कैद देता है, मतलब उनके एक हाथ में एक 47 देता है और दूसरे हाथों में दौलत देता है। खून जब बाहर निकलता है तो बहुत गंदा लगता है। तुम लोगों को डर लग रहा है ना, खून की बदबू आ रही है ना, लेकिन तुम लोग डरो नहीं, क्योंकि मैंने तुम लोगों को इस्लाम के लिए खरीद लिया है। जिहाद के लिए हम कश्मीर में लड़ेंगे, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहां पत्थरों पर भी फूल पैदा होते हैं और हमें उन्हीं पत्थरों से खून निकालना है, चाहे जान भी चली जाए। सारी दुनिया की नजर में कश्मीर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, मगर डर और आतंक अब भी वहां कायम है। ये सबको पता चले, वहां के मुस्लिम खुश नहीं है। वहां के लोगों को खुश करने के लिए कश्मीर को हमें आजाद कराना पड़ेगा। इंडिया से कश्मीर को अलग करना जरूरी है, और जैसे हम लोगों ने अफगान और पाकिस्तान को बाहर निकाला है, तुम्हें कश्मीर को अलग करना है जिहाद के लिए, और यही हमारा मकसद है। और तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम अपने पैसों के बल पे जो जो कर सकते हैं हम उन्हें करके दिखाएंगे। श्रीनगर में मुजाहिदीन, अलकायदा, आईएसआई इन्हीं नामों से जानते हैं, मगर हमें उसकी चिंता नहीं है। जो जितने ज्यादा लोगों को मारेगा हम उसी हिसाब से उसके अकाउंट में पैसे डालते रहेंगे। कश्मीर वासी डर के साए में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब हमें हिंदुस्तान को दिखाना है कि कश्मीर उनका नहीं है, वो कश्मीर हम लोगों का है और उसे हम हासिल करके ही रहेंगे। नहीं किया तो लोग थूकेंगे। और आज से और अभी से तुम सबकी जिंदगी का ही मिशन है और यही मिशन रहेगा। और मेरा मिशन है जिहाद, जो अब से तुम लोगों का मिशन बन गया है। इसलिए अब सब लोग मेरे साथ बोलो, अल जिहाद। बोलो अल जिहाद, बोलो अल जिहाद, बोलो अल जिहाद, बोलो अल जिहाद, बोलो अल जिहाद। मॉर्निंग एनएससी कंट्रोल रूम सर, आई कनेक्ट सर। यस, हाँ जी, हाँ सर, यस, या आई कनेक्ट मा, यस सर, सर आई कनेक्ट सर, हाँ सर। गुड मॉर्निंग एनएससी कंट्रोल रूम सर। देखिए, जस्ट लुक एट इट, सभी पेपर्स में आतंकी आतंकी खबर छपी है। मेरे सीनियर्स मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या जवाब दूं उनको? ड्यूटी ज्वाइन करते वक्त बहुत सारी कस्में खाए हो, फिर भी एक भी कस्में निभाते नहीं हो, क्यों है? केवल नौकरी के नाम पर तनख्वाह लेते जा रहे हो, बल्कि अपना कमिटमेंट इससे पूरा तो करो।
1000 से ज्यादा सिपाही हैं आर्मी में, लेकिन 20 कमांडर के साथ वो अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुल करता है। मेजर महादेव, आखिर कैसे आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देता है वो? None of you can do it, all of you waste in army. हाँ महादेवन, चल खोल के दिखा। हमें क्यों मार रहे हो? छोड़ दो, छोड़ दो। क्या कर रहे हो? सुनो हरी सर, इस ऑपरेशन में तुम क्या कर रहे थे? सर मैं वो तुम शिव के बड़ी हो ना? हाँ सर, आपको कवर करने के लिए वो मेरा भी एक बड़ी है, मगर वो नहीं आया तो आई नो व्हाट टू डू। ओके सर। अरे फोटो क्यों छुपा रहा है तू? ये सच में रहस्य की फोटो देख के आंखें खोलता है, मैं देखना चाहता हूँ, टूटे सा मत ले। रहस्य आंखें खोल के देख तो। ये क्या है रे? अबे तेरी हीरोइन की फोटो है और क्या। ये मुझे ये क्या है? ये फोटो की जगह टिक्की दिखा रहा था। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, रात को बहुत सर्दी थी ना? हाँ पता है। नमस्ते साहब। हाँ, आपका राइट हैंड नहीं दिख रहा है। वो शादी करने गया है। अच्छा, सलाम। और कोई खास इन्फॉर्मेशन? नहीं साहब, है क्या तो शाम को दसांगे। ठीक है ठीक है। इन्फॉर्मेशन करेक्ट है सर, अफगानिस्तान से नवाब आया है, लगता है कोई बड़ा प्लान करने वाला है। तुम उसे फॉलो करते रहो। फॉलो कर रहा हूँ सर, लेकिन अगर आपको नवाब दिखे तो उसे छोड़ना नहीं सर। उसने मेरे माँ बाप को मारा है सर, उसे छोड़िएगा मत सर। इस बार वो बच के निकलना नहीं चाहिए सर। ए, तुम फिक्र मत करो, नवाब को सजा दिलाकर रहूंगा। तुम अभी जाओ, खुदा हाफिज। राजू, हरी जी तो कमांडो अच्छे हैं, बट महादेवन जी के बड़ी नहीं बन सकते। ए दादा, हंस मत, समझाना, मेरे जैसी सीनियरिटी किसी के पास नहीं, समझाना। महादेवन का बड़ी बनने के लिए सीनियरिटी काफी नहीं है सर, उनको कवर करने के लिए एक्स्ट्रा टैलेंट चाहिए। ए, मैं पहले बैच के कमांडो फोर्स का टॉपर हूँ, समझाना। हो सकता है सर, अभी आपको बहुत सी जानकारी लेनी पड़ेगी। ये नॉर्मल कोर्स नहीं है, ये एलाइट कमांडो कोर्स है। तुम्हें मुझे एडवाइस देने की जरूरत नहीं, ध्यान से सुनो। महादेव सर यहाँ से जाने से पहले मुझे बड़ी जरूर बनाएंगे। ओके। हाँ। अरे सर, जय सर को आप मामूली कमांडो समझने की भूल मत कीजिए, उनका ऑपरेशन करने का तरीका तो बिल्कुल हटके है सर। उनके रहते आप महादेवन के बड़ी तो नहीं बन सकते। सर आप तो जम करने के लिए भी सोचते हैं, वो ऑपरेशन में शेर की तरह छलांग मारते हैं, आप उनकी बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। जय, देख लूंगा तुम्हें। अरे जय किशन, तुमने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं किया? नानी, उसी के लिए तो आया हूँ।
और नानी तुम्हारा ना, ना अरे क्या क्या कर रही हो? सुनो तो ये लड़की तो मेरे पोते को जोरू का गुलाम बना के ही मानेगी। अरे बाप रे थका दिया, नानी भी यही बैठी है। सुनो बेटा मैं तुम्हें एक दवा देती हूँ। दवा? बादाम वाला दूध पीकर घोड़ी काबू में आएगी, दुम हिलाते फिरेगी, सामने मैं सच कह रही हूँ, तभी तुम नानी की कीमत समझ सकोगे, कीमत समझ सकोगे। अरे बाप रे उसे फिर से ले गई। हेलो, गुड मॉर्निंग मेजर महादेव। हाँ गुड मॉर्निंग महादेव। आई गॉट अ सॉलिड इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज इट? समथिंग डेंजर इन रिलीजियस प्लेस। ओह फिर तो वो जगह बहुत ही सेंसिटिव प्लेस हो सकती है मिस्टर महादेव। ये इन्फॉर्मेशन सादिक अली ने दी है सर, इन्फॉर्मेशन पक्की है, फिर भी मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। ओके महादेव। आई प्रिफर टू गो फॉर कवर्ड ऑपरेशन, टोटली अंडर कवर। इसके लिए मुझे मेरे बड़ी वैकेशन के साथ जरूरत पड़ेगी। वेल व्हाई नॉट, उसे जल्दी बुला लो। सर I have a request. यह खबर NSC क्वार्टर्स को पता नहीं चलनी चाहिए सर। Well okay, I'll understand. तुम्हें जो information मिली अगर वो सही है तो go ahead. Okay? Thank you sir. I will update you later. Yeah. अब मैं जो कहूँगी बस वही करना। सुनो ना। क्या है? मेरी जीप देखो। वाह बहुत लंबी है। रंग देखो लंबाई नहीं। ठीक है लाल है, अब क्या करना है? अच्छा कुछ नहीं जाने दो। ठीक है जाने दो। ओफो। क्या है? मैं तुम्हारे साथ कश्मीर जाना चाहती हूँ। हाँ। वहाँ के सुंदर गुलाबों को देखना चाहती हूँ। अच्छा। तुम्हारे गले लगकर वहाँ की बर्फ में घूमना चाहती हूँ। अरे रे। अब बताओ मुझे कश्मीर कब ले जाओगे? उसके लिए तुम्हारे पापा से दहेज मांगना पड़ेगा। पापा को बीच में मत लाओ। तुम क्या वहाँ लड़का पैदा करके वहीं सेटल हो जाना चाहती हो? अरे लड़का ही क्यों, लड़की भी तो हो सकती है ना। हमारे परिवार में हमेशा पहला लड़का ही हुआ है और अब भी वैसा ही होगा। उसे मिलिट्री में भर्ती करेंगे, लेकिन वो मेरी तरह हवलदार नहीं बनेगा, वो एक ऑफिसर बनेगा। एक और बात, कभी जिंदगी में उदास मत होना, हर वक्त खुश रहना, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें याद करूँ तो तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा ही सामने आना चाहिए। अब ठीक है? अब मेरे दिल की रानी लग रही हो, कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। हेलो। जय मेजर हियर। सर घर में सब ठीक है ना? एंड हाउ आर यू? सब ठीक है सर, आई एम फाइन सर। अगर कोई खास काम ना हो तो मेरे पास आ सकते हो? यस सर फॉर श्योर सर। या आई विल स्टार्ट इमीडिएटली सर। ओके आई विल टेक अ फ्लाइट एज़ सून एज़ पॉसिबल सर। ओके जय थैंक्स। आर यू हैव एनी प्रॉब्लम देयर? नो नो सर, नो प्रॉब्लम सर। इमरजेंसी की वजह यहां आने के बताऊंगा। यस सर अभी निकलता हूं। कम सून एज़ पॉसिबल। जय हिंद सर। जय हिंद। पापा तुम्हारा बुलावा आ चुका है ना जय? ठीक है तुम जाओ। ये संध्या के इम्तिहान की घड़ी है, उसको प्यार से समझाओ। ठीक है? ठीक है पापा। मैडम कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मजाक मत करो। आप जब फोन पर बात कर रहे थे तभी मैं समझ गई थी। अच्छी बात है, एक मिलिट्री वाले की बीवी हो ये साबित कर दिया। मेरा सारा सामान रख दिया ना? मुझे जो जरूरी लगा सब रख दिया, अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो आप चेक कर लो। ए, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ तो तुम्हें डर नहीं लग रहा ना? भला मुझे क्यों डर लगेगा, आप तो देश की रक्षा के लिए जा रहे हैं। मेरी तरफ देखो। थैंक्स। प्रणाम पापा। जल्दी आओ। जल्दी लौट आऊंगा। संभल कर जाना।
जल्दी आऊंगा। सब सामान रख लिया ना बेटा? हाँ, रख लिया नानी। जल्दी लौट के आना बेटा। लौट आऊंगा। मेरा राजा। चलता हूँ नानी। जैन साहब, हवलदार जय कुमार आपसे मिलने के लिए आए हैं। उसे अंदर भेजो। जैन साहब। जय हिंद। ओके। जैन साहब। जय हिंद सर। जय। बैठो। थैंक यू सर। शादी कैसी रही तुम्हारी? शादी धूमधाम से हुई सर, लेकिन आप शादी में नहीं आ पाए उस बात का दुख हुआ। मैंने आने की बहुत कोशिश की, बट यू नो माई पोजिशन, इसलिए मैं तुमसे माफी चाहता हूं। ऊपर से मैंने तुम्हारा हनीमून खराब किया, तुम्हें अर्जेंट यहां बुलाकर तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। अगर आप ऑपरेशन मेरे बिना शुरू कर देते तो मैं डिस्टर्ब हो जाता। दैट्स माई बडी जय। थैंक यू सर। ओके, एक इंफॉर्मेशन मिली है कि उन लोगों ने मस्जिद के अंदर कुछ हथियार छुपा कर रखे हैं। हम लोग मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते, शायद यही सोचकर उन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि वो एक सेंसिटिव प्लेस है। सो वी गॉट द ऑपरेशन इंटेलिजेंटली। आई अंडरस्टैंड सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी बैक सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय सर। इस वक्त तुम्हारी हेयर स्टाइल अच्छी है। थैंक यू सर। बट यू बैक ऑन ड्यूटी, सो कट योर ब्लडी हेयर सर। ओके। तो आदमी तो बहुत अच्छा है, पर मेरे ग्लास में चाय कम क्यों डाल रहा है? अगर तुझे डाउट हो तो स्केल से नाप ले। चाहे पैग हो या चाय, नीचे झुककर देखना तो मोटे लोगों की बचपन से आदत होती है। अबे ओ टकले, हमारे गांव में कभी भी झुक सकते हैं और कभी भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन कश्मीर में झुको तो झुकते ही पिछवाड़े में फांसी से गोली लग जाती है, समझे? वो देख अपना दोस्त जय आ गया। अरे 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 सुनो, ध्यान से सुनो, नया दूल्हा गांव से आया है, अब सबके लिए स्पेशल पार्टी है, सबको एक टांग वाला नहीं दो टांग वाला चिकन। लेकिन तुझे तो लंगड़ा ही चिकन मिलेगा। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, दिल्ली रेडियो में मेरी फरमाइश वाला गाना अब सब लोग सुनेंगे। ए, ए, पहले मेरी बात सुन, अगर वो फीमेल सिंगर होगी तो ही हम गाना सुनेंगे। हा? 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 ए, आज का पहला गाना मेरी फरमाइश का, सुनोगे? सुर संग्राम कार्यक्रम का प्रसारण आज हम नहीं कर पाएंगे, असुविधा के लिए खेद है। तूने उन लोगों को इतना तंग कर दिया कि उन्होंने प्रोग्राम चेंज कर दिया। कोई बात नहीं यार, किसी और दिन सुन लेंगे। ए, ये कौन है? प्रकाश की जगह नया बढ़िया है, बहुत खड़ूस है। हाँ? खुद को सीनियर समझता है, बहुत ईगो है, बहुत अकड़ू है। पिछले ऑपरेशन में महादेव जी का बड्डी बनना चाहता था, नहीं बन पाया। मैं जाकर बात करता हूं। हाय हरी, आई एम जय। हरी नहीं, हरी सर। ओके ठीक है सर। ओके सर। हरी सर, एक छोटी सी पार्टी है, अगर आप पार्टी में शामिल होंगे तो अच्छा। मैं यहाँ पार्टी में शामिल होने के लिए नहीं आया हूँ, समझे? सर हम सब फैमिली की तरह हैं, तो फिर ये ईगो रख के क्या फायदा? मुझे ईगो है इससे तुम्हें क्या? और महादेव सर का बड़ी बन गया है तो अपने आप को मेरा सीनियर मत समझ। दोस्तों सर को बहुत टेंशन हो रही है। सर आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप इतने गर्म क्यों हो रहे हैं सर? गर्म मैं नहीं हो रहा हूँ, बल्कि तुम मुझे गर्म।
सर, एक कमांडो को ताकत से ज्यादा दिमाग की बहुत जरूरत होती है। चल जा। अरे सर, अब तुम समझ गया ना कि बड़ी को क्या करना चाहिए। सिर्फ मेरा इशारा काफी होता है, उतने में वो सारे काम कर डालता है जो मैं चाहता हूँ। सो वॉच हिम, अंडरस्टैंड? यस सर। जय ने वहां पे लाउडस्पीकर का वायर कट कर दिया है। अगर यहाँ हथियार नहीं हुए तो ये लोग स्पीकर के थ्रू अनाउंस करके वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं। इससे हमारे जैसे एनएससी कमांडोज का नाम खराब हो सकता है। यू अंडरस्टैंड? यस सर। कम Come on, go and check. Sir! मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए या हथियार छुपाने के लिए? बताओ ये हथियार कौन लाया? कोई भी लाया हो, ये इस्लाम का जिहाद करने के लिए है। जिहाद किसे कहते हो? कश्मीर में अब तक 80,000 लोगों को आतंकवादियों ने मारा है, जिसमें 70,000 लोग मुसलमान थे। ये पता है तुम लोगों को? जानते हो तुम लोग? ये मजहब की लड़ाई है। कत्ल करने वालों की मदद करना मजहब की लड़ाई नहीं होती। आतंकवादियों की मदद करने वाले को देशद्रोही कहा जाता है, और वो लोग हिंदू या मुस्लिम का कत्ल नहीं करते, हिंदुस्तानियों का कत्ल करते हैं। उन्हीं में से तुम भी एक हो। ए, इस बुढ़ापे में भी तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि एक आम आदमी को मारना गलत है? मैं समझाऊंगा तुम्हें, लेकिन यहाँ नहीं, जेल में। कौन जय, हैंड ओवर हिम टू पुलिस। हथियार हाथों से निकल गया कोई बात नहीं, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ उसकी चिंता नहीं, लेकिन हमारा प्लान सक्सेस नहीं हुआ उसकी चिंता है हमें। वो लोग मस्जिद तक पहुंचकर मुल्ला जी को अरेस्ट कर लिए। हमें किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया। ये इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हो गई मुझे नहीं पता भाई जान, लेकिन इस बात से मेजर महादेवन को बहुत फायदा हुआ है। वो अब ज्यादा दिन इस दुनिया में जिंदा नहीं रहने वाला है। अब इंडियन आर्मी का कमांडोज कश्मीरी लोगों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन कश्मीरियों की लाशें उठाने का काम करेंगे। सबको काट देंगे, मुर्दों को गले लगाए बाकी कश्मीरी उनके मुंह पर तभी थूकेंगे और खुद बोलने लगेंगे, इस कश्मीर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जिहाद, द ग्रेट होली वार, द ग्रेट होली वार। कल सुबह सुबह स्कूल के बच्चे हमारा पहला टारगेट होंगे, और उसके लिए हमें सारा इंतजाम आज से ही करना होगा। फिरोज, चलो। बस बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, न जाने हमें कब आजाद करेगा। कमीना, ये पैकेट अपने टीचर को दे दो। मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, वो जो सरीना खड़ी है ना, उसके बैग में डाल दो। ताशा, बहन को संभाल कर ले जाना और उसे संभाल कर रोड क्रॉस करा देना, समझ गई ना? ठीक है आंटी।
दे रखा था बम? किसने तुम्हें बम दिया था वहां रखने के लिए? बता दो क्यों नहीं? बताओ बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कैसे आदमी हो तुम? बच्चे को मारते हो? गेट आउट, गेट आउट, आउट। बच्चे को मारता है? तुम लोग अच्छे बच्चे हो, तुम्हारे जैसे 46 बच्चे मर चुके हैं और तुम्हारे खास दोस्त भी थे उसमें, फिर ऐसा क्यों किया? हाँ ए रो मत, रो मत, ए रो मत, रो मत, रो मत। क्या बताओ क्या हुआ? मुझे वो पैकेट अम्मी चाचा ने सरीना के बैग में डालने को कहा था, मुझे इतना ही पता है। किसने किसने? अमीन चाचा। अमीन चाचा कहाँ है वो? वो हाउस बोट में। हाउस बोट में? अमीन चाचा हाउस बोट में है? ओके गुड बॉयस, ओके कम ऑन। सादिक अली, वो लोग हाउस बोट में छुपे हुए हैं, ये खबर कितनी सच है मुझे बताओ। ओके खुदा हाफिज। जय हिंद साहब। जय हिंद। Mr. Mahadevan? Yes. I'm Nadira from Human Rights Violation Department. Okay. I doubt your intelligence. Sirf shak ke bina par ki shayad bomb school ke bachcho ne rakha hoga, ye soch kar bachcho ko aapne kaise arrest kar liya? Aap Chennai ke kis gaon ki hain? Main kis gaon ki hoon ye janna zaruri nahi hai. Human rights activist hone ke nate main un bachcho ko protect karna chahti hoon. You are an activist of human rights, but you have no rights to interrupt in my duty. ये सब बच्चों ने ही किया है, मगर उनका किसी ने इस्तेमाल किया है। वो लोग कौन है ये पता करने के लिए हमें उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। हम ह्यूमन राइट एक्टिविटीज के अंतर्गत सच जानना चाहते हैं। आप लोग केवल ह्यूमन राइट्स को संभालने की बात कर रही हैं, मगर हम ह्यूमन को बचाना चाहते हैं जो कमांडोज का फर्ज है। ओके आप लोगों की जान बचाते हैं, फिर किस तरह उस बस में 46 बच्चे ब्लास्ट में मर गए? बुलेट प्रूफ और 10-20 किलो वजन वाले जैकेट्स पहनकर बर्फ भरे रास्तों में और दिन रात की परवाह किए बगैर हम देश की रक्षा करते हैं। वॉर के समय घर में बैठकर क्रिकेट मैच देखने वाले आम भारतीय नहीं है हम। 24 घंटे हम सिर्फ देश की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। ऊपर से आप लोगों को आकर हम यहाँ पे ड्यूटी कैसे करें ये एडवाइस देने की आवश्यकता नहीं है मैडम। आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर आप बच्चों को तो अरेस्ट नहीं कर सकते। स्कूल जाने वाले बच्चों का टिफिन बॉक्स खोलकर चेक करने की नौबत आ चुकी है। इस बात का दुख हमें भी है, हमें भी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन कश्मीर पर पीछे से वार करके आतंकवादियों ने इसे युद्ध भूमि बनाकर रख दिया। आई एम सो सॉरी सर। क्वीन हाउस बोट में मैंने अमीर को देखा है सर, अगर आप तुरंत यहाँ पे आ जाएंगे तो उसे पकड़ सकते हैं। खुदा हाफिज सर। जय सर। वी वांट टू कैच, कम ऑन नाउ, शट अप एंड वॉक ऑफ। मेरा रेडियो कहाँ गया? यही तो रखा था। ए किशोर क्या कर रहा है? जल्दी तैयार हो जा। हाँ हाँ एक मिनट एक मिनट, चल जल्दी कर। ओह मिल गया। ए, अब इस ऑपरेशन पर रेडियो की क्या जरूरत? देश का झंडा लिया है ना, वो तो कंपलसरी है, वो तो लेना ही पड़ता है ना। अब ये छोड़ और चल जल्दी। ए, ए, ए। बाप रे, I'm sorry, मैं तुझे नया खरीद के दे दूंगा, ठीक है? चल जल्दी, ओके? नहीं सर, आपको इसकी कीमत पता नहीं। ओके आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ की निशानी है, मैं खुद इसे रिपेयर कर दूंगा, ठीक है? चीयर अप, अब मैं मेजर साहब से मिलकर आता हूँ, तुम सीधे वहाँ मिलना, ठीक है? बाय। चलो 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 जल्दी करो। Tiger for all units. Report over. P20. Nothing suspicious. Approaching the target. Over. I think this is the spot. Okay. All units, take position. Wait for order. We are taking position. Over. I
Captain's clear. Hit 2, position 4. Hit 4, in position 4. मुझे गोली मत मारो, अरे अल्लाह कसम मुझे माफ कर दो, मैं अपने आप को सुरक्षित करता हूँ, मुझे मारना मत, मुझे मारना मत। ऐसे लोग भी आतंकवादी बन जाते हैं। Take him and hand over him to police. मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि कानून की इज्जत करने वाले पिल्ले हो तुम लोग। पिल्ला किसको बोला तुमने? किसको बोला पिल्ला? नहीं, मुझे मारना मत। Don't shoot him. तुम लोग मुझे मारोगे? तुम लोग मेरा बाल भी नहीं उखाड़ सकते। थोड़े दिनों के लिए तुम लोग मुझे अपनी जेल में ठूस कर रख दोगे और क्या, और तुम्हारी गवर्नमेंट जेल में मैं मजे करूंगा, और तुम्हारे ही लोगों को किडनैप करके मैं बाहर भी आ जाऊंगा, और फिर तुम लोगों को मैं अपनी पावर दिखाऊंगा। मैं तुम लोगों को ऑर्डर देता हूं कि मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दो। इंडिया में चोरी से घुसपैठ करके आने वाला कमीना है तू, तू क्या हमें ऑर्डर देगा? तू किसी भी भेष में आ, तेरा सामना करने के लिए इंडियन आर्मी हर पल तैयार रहती है। बेगुनाहों को मारने वाले तुझ जैसे कमीने जब तक जड़ से खत्म नहीं होते, तब तक हम चैन से नहीं सोएंगे। सोने तो हम नहीं देंगे तुम लोगों को, हम इंडिया के सारे मुसलमानों को आर्मी का दुश्मन बना देंगे, और उसके लिए हमें किसी हथियार की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमारा जिहाद ही काफी है, और हमारे जिहाद के सामने तुम्हें झुकना पड़ेगा। तू जिहाद के नाम पे हमें लड़ाएगा कमीने? तू मेजर महादेव के फार्मूले को नहीं जानता। सरेंडर करने वाले को गोली नहीं मारी जाती है दुनिया का रूल होगा, लेकिन मेजर महादेव का रूल अलग है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। Do you want to die, sir? Do you want to die? Kishori. Kishori was a good commando. No, इसे Kishori की तरह shoot नहीं करना चाहिए। जय, इतना मारो कि इसके सिर्फ सांस चले। इंडियन आर्मी की पावर देखिएगा तू। महादेव रिपोर्टिंग सर, हमने टेररिस्ट को व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। मुझे जेल भी भेज दोगे तो भी मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं बाहर आया ना तुम्हारी इंडियन आर्मी को खत्म कर दूंगा। तुम सब नामर्द हो, नामर्द, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा।
सर इस ऑपरेशन के बारे में कुछ बताइए। डोंट आस्क मी एनीथिंग। जय सर, कर्नल दत्ता को कनेक्ट करो। यस सर। हरे सर, किशोर की बॉडी को नेटिव प्लेस भेजना है, फॉर्मेलिटीज पूरी करो। सब कुछ हो जाएगा सर। मेजर, आज उस आतंकवादी ने सरेंडर किया तो उसे मारा क्यों गया? हेलो, माही हियर सर। ऑपरेशन कंप्लीटेड। 5 मिलिटेंट किल्ड, 1 कैजुअलिटी। हवलदार किशोर लाल किल्ड। या ऑल फॉर्मेलिटीज क्लियर। वेल डन महादेव। थैंक यू सर। जय सर, किशोर के घर वालों को इन्फॉर्म कर दो और एनएसए हेडक्वार्टर्स को स्पेशल रिपोर्ट भेज दो। ओके यस सर। आप बताइए मिस्टर महादेवन, जब उसने सरेंडर किया तो उसे क्यों मारा गया? टेल मी मेजर। मैडम प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम। मैं उनसे कुछ पूछ रही थी। आई एम हिज बडी। किशोर की मौत से वो पहले ही बहुत दुखी हो चुके हैं, ये बात आप नहीं जानती। आज तक उनके किसी भी ऑपरेशन में किसी भी जवान की जान नहीं गई थी। वो दुख जाहिर नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वो अंदर से कितने दुखी हैं ये सिर्फ मैं जानता हूँ। सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम। तो क्या सरेंडर किए हुए आदमी को मारना? मैम इट्स फिनिश्ड। जय सर। मेजर महादेवन प्लीज, इस देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान गंवाने वाला एक वीर जो इतने दिनों तक मेरे साथ रहा, मुझे सैल्यूट करता रहा, आज इसकी अंतिम विदाई देते समय मेरा एक फर्ज बाकी है। आज उसे इज्जत के साथ मुझे उसे आखिरी सैल्यूट देना होगा। इसके बाद अगर मुझे वक्त मिला तो हम आपसे बात करेंगे, वरना नहीं। ओके Come in. एक सीनियर आपका इंतजार कर रहा है। कहां थे अभी तक? हैं? आखिर कहां थे अभी तक? मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहा था सर। तुम्हारा ये एरोगेंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहूं तो तुम्हें परमानेंटली घर भेज सकता हूं। जी भर के क्रिकेट देखते रहना। हे महादेवन। सर मैं महादेव नहीं, मेजर महादेव। हम होम मिनिस्ट्री के अंडर में रहे तो भी We are still in army, okay? Okay, yes sir. अब तुम्हारा ये मेजर रैंक तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। क्या मेजर रैंक को आपने मिलिट्री से हटाने का फैसला कर लिया है? अब ये रैंक वापस नहीं मिलेगा। सरेंडर करने वाले आतंकवादी को जान से क्यों मारा? तो आपको न्यूज मिल गई। दिल्ली से ऑफिशियली ड्यूटी के लिए आना तो एक बहाना है आपके लिए ना? आपके मुंह से रम सिगरेट के अलावा कोई अच्छी बात मैंने नहीं सुनी अभी तक। इन सब के अलावा भी कुछ काम होते हैं सर। तुम्हारे जैसे खतरनाक लोगों के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। मिलिट्री डिसिप्लिन भूल गए हो तुम। हमारे ऑपरेशन में आतंकवादियों के मरने के कारण ही आप जैसे लोग गर्व से जीते हैं और रातों को चैन से सोते हैं। ये सब देखकर आपको चिंतित नहीं होना चाहिए बल्कि हमें एनकरेज करना चाहिए सर। डोंट टीच मी व्हाट आई शुड डू। आपको क्या करना चाहिए हमें बताने की जरूरत नहीं है सर, लेकिन आपको मेरी एक बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। हम उन बच्चों को तो नहीं बचा पाए मगर उस बस में बम लगाने वाले एक आतंकवादी को हम पकड़ पाए और उसे मार गिराए तो क्या गलत है? लेकिन पनिशमेंट देकर आप हमारा यूनिफॉर्म उतारना चाहते हैं। मुझे उस बात का भी दुख नहीं है। आप हमेशा कहते रहते हैं कि हम आपके नीचे काम करते हैं, लेकिन आज एक जवान शहीद हो गया लेकिन आपने उसके बारे में एक बार भी नहीं पूछा। सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं, इस बात का मुझे दुख है सर। अगर बम ब्लास्ट वाले बस में आपका नातिया पोता होता तो आप इस तरह से बात नहीं कर रहे होते। तुम चाहे कुछ भी सफाई दो, मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेके रहूंगा। सर किशोर लाल हमारे लिए कभी छोटा नहीं हो सकता। उसके मरने के बाद की फॉर्मेलिटीज सिर्फ मेरा फर्ज नहीं, उसके साथियों की हिम्मत बढ़ाना भी मेरा फर्ज है। मैं सिर्फ उनका कमांडर नहीं बल्कि इंसानियत के नाते उनका बड़ा भाई भी हूँ। मैं उन्हें सिर्फ कमांड नहीं देता, आई लव देम एंड आई कमांड देम विद प्राइड। ये सब आप नहीं समझेंगे। आप सिर्फ मेरे अगेंस्ट जा सकते हैं लेकिन मेरे दिमाग को नहीं बदल सकते सर। सो डू व्हाट सो एवर यू फील लाइक।
गीत की फरमाइश की है किशोरी लाल एनएसजी ने, और ये गीत वो डेडिकेट करना चाह रहे हैं अपने साथी मेजर महादेवन, हवलदार जयकुमार, नायक गोपन, हवलदार हरि, हवलदार अरुण, नायर आनंद और अपने बाकी सभी साथियों को। एक इंडियन ब्लैक कमांडो का बूट भी हिले तो उसकी खबर हमारे नेटवर्क तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं बताया। बोल, ए! 10 साल की उम्र से मैंने तुझे पाला है, मगर इसका कोई फायदा नहीं। करोड़ों रुपए खर्च किए, तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया। क्यों तोड़ा विश्वास? तेरी वजह से मैंने आमिर को खो दिया। अब मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों की वजह से मैंने अपने आमिर को खोया है। मुझे अच्छी तरह पता है कि इन सब के पीछे कौन है। तुमने मेरे राइट हैंड को खत्म किया ना मेजर महादेवन, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा। मेरी प्यारी संध्या, यहां गिरती हुई बर्फ और ये एप्पल के बगीचे देखकर बार बार तुम्हारी याद आ रही है। ये बताओ तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। तुम यहाँ कब आई? तुम कहीं भी रहो, मैं तुम्हारे पास रहती हूँ। अरे रुको, रुको, सुनो संध्या, कहाँ भाग रही हो? अरे सुनो, सुनो ना, कहाँ भाग रही हो संध्या? संध्या रुको तो, संध्या, संध्या, अरे सुनो तो। हटो। कहाँ गई? जब तक पुलिस इस बॉडी को टेक ओवर नहीं करती, तुम लोग यहीं रुको। सर, सादिक इस देश का सच्चा प्रेमी और कश्मीर का सच्चा मुस्लिम था। सर, अगर आप चाहें तो हम सादिक भाई के फैमिली की मदद कर सकते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट से तो हम इसकी फैमिली को मदद नहीं दिला सकते, लेकिन अपनी तरफ से हम कुछ करेंगे। सर, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, I'm okay. आपको खून देखकर डर लगता है क्या? नहीं लगता, I'm top commando. सर, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, आप मेरी बात से सीरियस क्यों हो गए? आपको खून देखकर डर नहीं लगता ना? क्या है बे? मुझे आर्मी में भर्ती करवाओ ना, इस आइटम के पीछे क्या पड़े हो? अबे चल तू अपना काम कर भाई, थोड़ा मुझे भी दिखाओ ना, थोड़ा मजा मैं भी ले लेता हूँ। ए वहाँ देख, सरदार जी चना खा रहे हैं, उनसे जाकर कुछ ट्रेनिंग ले ले। ठीक है भैया। नमस्ते जी।
मुझे चने की जरूरत नहीं है, मैं खा खा के थक गया हूँ। सरदार जी मैं भी गन उठाना चाहता हूँ, मुझे उठाने दोगे क्या? एक बार गन छू लूं क्या? ठीक है। सरदार जी मैं गन के ट्रिगर को छू कर देखूं क्या? डाल छू ले। अरे मुझे बता, मैं मर जाऊंगा। सरदार जी मुझे बता। ह्यूमन राइट्स ऑफिसर आपसे मिलना चाहती है, मना करने के बाद भी यहाँ चली आई। ओके मेजर महादेवन। टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ एन आर्मी ऑफिसर। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से आया हुआ ये लेटर है ना, एक मेजर के अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन चार्ज करने जा रहे हैं। एक्सीलेंट। इसका अंजाम क्या है जानते हैं ना? सिंस यू हैव डिसाइडेड टू सेंड एन ऑफिशियल एलिगेशन अगेंस्ट मी, व्हाई द हेल शुड आई गिव एक्सप्लेनेशन टू यू? समझ नहीं आ रहा, इतने सालों से आपके एरोगेंस को बाकी कमांडोस कैसे झेलते हैं? आपने सरेंडर किए हुए आतंकवादी को मारकर बहुत बड़ी भूल की है। आपको और आपके ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी बातें पता नहीं होती हैं मैडम। सरेंडर करने वाले उस आतंकवादी को अगर मैंने मार दिया तो उसमें कुछ गलत नहीं। अगर उसे जेल में रखते तो उसके आदमी हमारे किसी आदमी को किडनैप करके उसे छुड़ाते और तब शहीद हुए हवलदार किशोरी लाल की आत्मा मुझसे सवाल पूछती कि इसे छोड़ना ही था तो हमारी जान की कुर्बानी क्यों दी आपने? आपको हमारे सेफ्टी के लिए रखा गया है, ना कि हमें मारने के लिए। सरेंडर किए हुए आतंकवादी को मारना आपकी ड्यूटी नहीं। हमें हमारी ड्यूटी मत सिखाइए मैडम। आप जिन पॉलिटिशियंस को चुनकर दिल्ली में बिठाते हैं वो दिल्ली से लाहौर के बीच बस चलाकर पार्टी मनाते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग वीजा और पासपोर्ट लेकर हिंदुस्तान चले आते हैं। उसमें से कितने लोग वापस जाते हैं, क्या इस बारे में आपने कभी किसी से जानने की कोशिश की मैडम? ये कमांडोज मेरे साथ मिलकर इस देश की रक्षा करते हैं। इन कमांडोज की केयर करना मेरा फर्ज है। सो आई हैव किल्ड हिम। सर, विद योर परमिशन सर। उस आतंकवादी को मैंने मारा था और मैं इसे कोई जुर्म नहीं मानता, और अगर फिर भी आपको इनके अगेंस्ट एक्शन लेना है तो मेरे अगेंस्ट भी एक्शन लीजिए। नाउ यू टेक द एक्शन व्हाटएवर यू फील लाइक। ओके यस मेजर महादेव हियर। सर ओके सर राइट सर जय सर। पास के गांव में विस्फोट हुआ, चलो जल्दी। गुड मॉर्निंग सर, कश्मीर ट्रिप कैसी रही? वो सब बातें अभी जाने दीजिए, पहले अपने मेजर महादेव से पूछताछ कीजिए। उसने सरेंडर किए हुए मिलिटेंट को मारा है और अपने सीनियर ऑफिसर की बेइज्जती भी की है। आपने अपने मेजर महादेवन को ज्यादा छूट दे रखी है, इस तरह आप कैसे कमांडिंग? एक्सक्यूज मी सर, मेरे कमांडिंग पावर के बारे में आप बात न करें तो ही अच्छा है। बीवी बच्चे बीमार है, उसका झूठा सर्टिफिकेट बनवाकर दिल्ली में पोस्टिंग करवाकर आप जैसे ऐश करने वाले ऑफिसर को मेजर महादेवन के बारे में कुछ भी बोलने का हक नहीं है। आप लोगों को एक्शन लेने के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस से इन्फॉर्मेशन आने का इंतजार करना पड़ता, बट मेजर महादेवन लोगों के बीच में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद एक्शन लेते हैं। You have no right to talk about him. Mr. Datta. Sorry, Mr. Krishna Kumar. Government हम दोनों को लड़ने के लिए तनख्वाह नहीं देती है। हमारे दुश्मन अलग हैं। आप उस पर ध्यान दीजिए। That's it. Sir, हमारे पुलिस के रखे सारे हथियारों को आपके मिलिट्री कंट्रोल वाले लेकर चले गए सर। लेकर नहीं जाएंगे तो और क्या करेंगे? जो लोगों को बचा नहीं पाते उनको गन की क्या जरूरत? गाँव में पुलिस वालों ने बहुत ही बेवकूफी का सबूत दिया है। इतने खतरनाक आतंकवादी वहाँ छुपे हुए थे, जिस समय हमारे मिलिट्री उन्हें पकड़ने वाली थी उसी वक्त आपके पुलिस वालों की तरफ से फायर हुई, जिससे आतंकवादियों को भागने में मदद मिली। अब फिर से लालटेन लेकर ढूंढो। आप तो जानते ही हैं, आतंकवादी को पुलिस वाले ने मारा तो उसका परिवार खत्म कर दिया जाता है, गवर्नमेंट में उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती, इसलिए सर लोकल पुलिस के पास उनके सामने हथियार डालने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। जान की कोई कीमत नहीं है, मौत कभी भी किसी को भी आ सकती है, कश्मीर में कोई सुरक्षित नहीं है। आप सीआरपी वाले, हम कमांडोज, यहाँ तक कि लोकल पुलिस भी, कोई भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे सबकी जिंदगी सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे है। हमारे जवान आखिरी सांस तक इस देश के लिए लड़ते रहते हैं और मरने के बाद भी तिरंगा ओढ़कर जाते हैं।
कश्मीर में ड्यूटी करने वाली पुलिस अपने फर्ज को भूलकर लोगों से घूस मांगती रहती है, ये बड़े शर्म की बात है। इनकी वजह से कश्मीर की समस्या और भी बढ़ रही है। इसलिए हम भी ऑपरेशन के वक्त लोकल पुलिस को एग्जैक्ट जगह नहीं बताते हैं सर, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर यहाँ की लोकल पुलिस इंडियन मिलिट्री को सपोर्ट करे तो इस कश्मीर में हम किसी का एक बूंद खून भी नहीं गिरने देंगे। इसी देश में हमने इतिहास रचा था, पंजाब भूल गए क्या? सर एक पर्सनल मैटर। हाँ बोलो। कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है और मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, आपको आना पड़ेगा। ओके आई विल ट्राई। थैंक यू सर। हेलो। यस सर, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि शालीमार बिल्डिंग में दो लोगों को किडनैप करके बंद कर दिया गया है सर। अगर हम अभी चले तो उन्हें पकड़ सकते हैं सर। ओके वी हैव टू गो। आई नो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न सर। ऑपरेशन में खतरा हो सकता है सर, लेकिन मैं और मेरे कमांडोज खतरों से नहीं डरते हैं सर। आप टेंशन मत लीजिए सर। आई अप्रिशिएट इट बट बी केयरफुल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द टीम टू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। शिट सर, इट्स अ ट्रैप, हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है। No problem. हमें यहां से निकलना होगा। Cover our bodies. Hey, go! Jai! Sir! तुम पीछे की तरफ जाओ। वहां जाके क्या करना है सर? गिव अस अ कंप्लीट फायर। ओके। Come down. Come here and shoot him. Shoot him. I say shoot him. Major Mahadevan के ग्रुप में तुम्हारे जैसे कमांडोज है, इस बात से मुझे शर्मिंदगी होती है। Kill him. तुम्हारे जैसे कमांडोज की वजह से बाकी कमांडोज को भी खतरा है। Change yourself. It's an order. Kill him. तुम्हारी माँ की आत्मा को भी दुख होगा कि उसका बेटा कैसा है, उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे अंदर ब्लड फियर आ गया। चेंज योरसेल्फ, किल हिम, और आई विल शूट यू। तुम्हारे जैसे कमांडोज को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। किल हिम, तुम ये कर सकते हो। अपनी माँ की आत्मा को दुख मत पहुंचाओ। कम ऑन, किल हिम। दैट्स इट, कम ऑन। Thanks, buddy. Anyway, we got our commando back.
हेलो, ये रशिया जी का घर है? जी हाँ। मैं छोटू भाई बात कर रहा हूँ। यहाँ छोटू भाई तो नहीं है। बापरे, मैं छोटू भाई हूँ, ये मेरा नाम है, कश्मीर से बोल रहा हूँ, मिलिट्री में काम करता हूँ, बता दीजिए। वो नहा रहे हैं। उनसे अर्जेंट मिलना है। क्या? नहीं, अर्जेंट बात करना चाहता हूँ। हाँ, आप थोड़ा होल्ड कीजिए। लाइन पे है, वेट करने को बोल रही है। ओके। कौन है? कोई छोटू आर्मी वाला है, कश्मीर से फोन आया है। फोन दो। हेलो मैडम। ओ हाय सेठा भाई। सेठा भाई नहीं, छोटू भाई, CHOTU। छोटू भाई। करेक्ट है। मैडम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ओके, सी यू। सी यू, यू सी। हेलो। हेलो, मैं संध्या बोल रही हूँ। अरे, मैं अब भी तुम्हारे बारे में सोच रहा था। नहीं, तुम किसी और के बारे में सोच रहे थे। अरे वैसी बात नहीं है, पहले भी तुम्हें याद किया था, अब भी तुम्हें याद कर रहा हूँ। कैसी हो? अब वो बात ऐसी है कि मैं सरोजनी डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने कहा कि प्रेग्नेंट हूँ। अरे बापरे, उनकी उम्र तो कम से कम 55 साल होगी, इस उम्र में कैसे? मजाक छोड़ो, वो नहीं, मैं। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? जाने दो, मुझे शर्म आती है। अरे इस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ ना, वरना तुम्हारा बहुत ख्याल रखता। बहुत जल्द छुट्टी लेकर तुमसे मिलने आ जाऊंगा। तुमने ये बात माँ को तो बता दिया ना? नहीं, अभी बताऊंगी। हाँ ठीक है, माँ को बताना, वो बहुत खुश हो जाएंगी। ठीक है, तो फोन रखूं? बैठो बेटी। हमारे वंश को बढ़ाने वाली मेरी प्यारी बेटी। सर। यस जय, क्या बात है तुम्हें समय? हाँ, एक गुड न्यूज है सर। गुड न्यूज है? हाँ। मैं पापा बनने वाला हूँ। क्या बात है, तुम तो अपने वाइफ के साथ 2-3 दिन ही थे, खिलाड़ी हो तुम। तुम सच में एक कमांडो हो, यह बात तुमने साबित कर दी। थैंक यू सर। एनीवेज, यहाँ की टेंशन खत्म होने दो, हम दोनों साथ में घर चलेंगे। ओके, शादी में नहीं आया अब तो चलना ही पड़ेगा। ओके जी। एनीवेज सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। माँ बेटी आपस में झगड़ा मत करो, मैं आइसक्रीम लाता हूँ। ओके, तुम्हें भी चाहिए? वो देखो। हेलो, हाउ आर यू मेजर महादेवन? कौन बोल रहा है? अपनी बीवी और बच्ची को तो बचा ले। आज मैं तुम लोगों को एक बहुत जरूरी बात बताने वाला हूं। पूरी दुनिया में मक्का मदीना के बाद मुसलमानों के लिए अगर कोई पाक स्थल है तो वो है हसरत बल, जो यहां पर डल झील के पास है। कल जुम्मे का दिन है और लाखों मुसलमान कल नमाज पढ़ेंगे, और तभी उन सबको बम से उड़ाना है, खत्म करना है। रेगिस्तान बना देंगे, रेगिस्तान बना देंगे, कश्मीर को रेगिस्तान। तू अपने आप को समझता क्या है? हमारी आंखों के सामने हमें से गुनाह कराना चाहता है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कश्मीर अब
सिर्फ हमारा होगा। कौन है? चिल्ला मत, नहीं तो गोली मार दूंगा। जाओ अंदर। आवाज मत करो, जान से मार दूंगा। चुप हो जाओ, ज्यादा आवाज की तो जान से मार दूंगा। चुप हो जाओ बुड्ढे, आवाज बंद कर, बंद कर। ये इधर आओ, जल्दी से सामान ऊपर लेकर के जाओ। उधर जल्दी। इधर आ, चुप करा उन सबको, चुप करा। गफूर उधर। हे तू उस तरफ जा, जल्दी जल्दी जा, क्विक। एक कोई आवाज नहीं करेगा, सब खामोश रहेंगे। ए इधर आ, इसको जल्दी से ऊपर लेके जा, जल्दी क्विक, जल्दी कर। ले संभाल के जा, ले मिलो। अब तो सबके समझ में आ गया ना कि हम लोगों का प्लान क्या है, समझ गए ना? हजरत बल निशाने पर है, हम लोग उड़ाने वाले हैं उसको, उड़ाने वाले हैं उसको। हजरत बल हमारा टारगेट है। हजरत बल ओवर एंड आउट। लाओ गुड़िया को यहाँ से ले जा, भूख लगी है, बोल खाना बनाने के लिए। ए, चल गुड़िया, उठ, चल, उठ। चुप करो गुड़िया को। चुप हो जा। फिरोज, इसे दूसरे कमरे में ले जा। चल जाने दे। चुप कराओ बुढ़िया को। DRPF control room calling Gopinath, over. DRPF control room for Gopinath, move towards Magam village, over. Magam section. DRPF control room for Gopinath. Gobi for control room, moving towards Magam village. Samal ke. Oh.
मैं जेल में मार चुका हूँ। मेरी नई जिंदगी में तू पहला शिकार है, वो भी कश्मीरी। हम लोगों ने क्या गुनाह किया? सब बाद में, पहले सबको खाना खिला। ठीक है, खिलाती हूँ। चल चल। वो चिल्ला रही है, जाके चुप करा जा। ठीक है, अभी जाता हूँ। चुप हो जा, बुढ़िया चुप हो जा, आवाज़ बंद कर। छोड़ दो, चुप चुप जा, बस। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। बुढ़िया यही जिहाद है। इसको जिहाद कहते हो? ये जिहाद नहीं है। तुम लोग आम लोगों और बेगुनाह को मारते हो, इसे जिहाद नहीं कहते, नहीं कहते इसे जिहाद। मारो मारो मुझे, मारो, खत्म कर दो। तेरी जैसे मुसलमान को देखने से अच्छा मेरी मौत हो जाए। मार मार मुझे। चुप करो। चलाई, बोल बोल बोल, तूने चलाई? कितना समझाया था गोली मत चलाना, क्यों चलाई? चलो आगे चलो। सारा प्लान चौपट कर दिया। यहां से गोली चलने की आवाज आई थी। जाओ जाकर सर्च करो, जाओ। सर गोपी है सर, हम लोग हजरतगंज के पास में हैं, यहाँ से गोली चलने की आवाज आई है। हम लोग सर्च कर रहे हैं, सारे घर में तलाशी ले ली है, सिर्फ एक घर बाकी है। जाके बोलो अंदर कोई नहीं। अंदर कोई है? बाहर आओ। यहाँ कोई नहीं। जो भी अंदर है बाहर निकल जाए, हमें इस घर की पूरी तलाशी लेनी है, जल्दी। सर घर की तलाशी। Don't worry sir, I'll inform him. हाँ गोपीनाथ, क्या इन्फॉर्मेशन? सर महाविलेज के घर में आतंकवादी घुस गए हैं। मुझे भी गोली लगी। मैं मेजर महादेवपुरम के कमांडो को तुरंत स्पॉट पर भेजता हूँ, तुम टेंशन मत लो। यस सर। महादेव, मैं कंट्रोल रूम से कर्नल दत्ता बोल रहा हूँ। विलेज में आतंकवादी घुस गए हैं, वहाँ गोपीनाथ अकेले ही उन आतंकवादियों का सामना कर रहा है। आप जल्दी वहाँ पहुँचिए और स्पॉट पे पहुँचकर वहाँ होने वाली हर घटना की पूरी इन्फॉर्मेशन दो। ओके सर। अर्जुन गेट रेडी। माय डियर बॉयज, हमेशा की तरह मैं और जय टीम को लीड करेंगे। ऑपरेशन में मुझे कुछ भी हो सकता है, मैं मर भी सकता हूँ, लेकिन तुम सब लोग एक साथ होकर हिम्मत से लड़ना। ओके कमांडोज, आज आपकी परीक्षा की घड़ी है। ओके गेट रेडी कमांडोज, हम चलने के लिए तैयार हैं।
कम ऑन। गोपी यू आर ओके? ओके सर, घर में आतंकवादी हैं सर। ओके और कुछ? तुम औरतें भी हैं। नहीं देखिए, मुझे एक एक मिनट की रिपोर्ट चाहिए। आई एम सॉरी सर, आपको हर एक मिनट की रिपोर्ट देना पॉसिबल नहीं है सर। आई विल गिव यू द डिटेल रिपोर्ट आफ्टर द ऑपरेशन सर, वो भी अगर हम जिंदा रहे तो। हमें डिस्टर्ब मत कीजिए सर प्लीज। जाए कमांडो उसको कवर करने के लिए कहो, क्विक क्विक इमीडिएटली। सुनो, क्रिस्टल एरिया के सारे कम्युनिकेशन को ट्रेस करो। करो, अभी ऊपर कोई छूट नहीं करेगा। Yes sir, hit number 3, come in. Calling you from behind. Airborne force, covering you from top. Get on. सो गए ना, है ना? वो आ गए, तुम सो जाओ। हाँ तुम्हें कोई नहीं जगा पाएगा। हाँ तुम सो जाओ। Commandos advancing forward. Backside covered.
हजरत पर, यही उनका टारगेट था। माइक फॉर टाइगर चार। एक आदमी कहाँ है? इसके साथ एक और आतंकी था। कम ऑन, वो आतंकी कहाँ है? उसी ने मेरे बेटे को मरवा दिया। कहाँ है वो? तू क्या करेगा मेजर? मारेगा? चल मार! तू क्या, तेरी मिलिट्री भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। हजरत बल तो अभी बच गया, लेकिन हम मरने से बिल्कुल नहीं डरते हैं मेजर। मार मुझे, बंदूक है तेरे पास, मार मुझे। किल हिम, टेक हिम आउट। तेरी इंडियन आर्मी में तो दम ही नहीं है। चल, चल। सर आपको कुछ नहीं हुआ ना? गेट द फर्स्ट एड। सर जय चुप रहो, बात मत करो अभी। मुझे कुछ नहीं हुआ सर, बस थोड़ी देर आपकी गोद में सिर रखकर सोने दीजिए सर। जय यू शट अप, इसे दबा कर पकड़ो। सर जय, इस दुनिया में मेरी तरह कमांडोस जय आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन सर आपकी तरह एक ही ऑफिसर इस देश को आपकी जरूरत है। शट अप, कॉल द एम्बुलेंस। सर संध्या को मिलने का बहुत मन कर रहा है सर। जय, जय स्टॉप। लेकिन मिल नहीं पाऊंगा ना सर। जय, सर मैंने अभी तक मेरे पास एक लेटर है सर, वो लेटर आप जरूर पढ़िएगा। जय, अगर आपको कुछ हुआ जय तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जय, जय मुझे बहुत गर्व है कि मैं आपकी जान बचा पाया सर। जय,
इस देश के लिए अपनी जान जय प्लीज ऐसा मत बोलो दे पाया जय 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 अपनी आंखें खोलो जय मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या जगह है वो जानना चाहते हो ना तो आंखें खोलो ना जय मेरे जैसे ऑफिसर के लिए तुम तो 100 के बराबर हो जय जय तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है जय तुम्हारा जिंदा रहना मुझसे ज्यादा जरूरी है जय आंखें खोलो यू आर मोर देन अ ब्रदर टू मी जय डैम इट सर जय का लेटर रिस्पेक्टेड महादेवन सिंह जो बातें आपके सामने आपको बता नहीं सकता वो इस लेटर के जरिए आप तक पहुंचा रहा हूं आप मेरे मेजर नहीं हैं सर आप मेरे मुंह भोले भाई हैं मेरे गुरु हैं जिंदगी का रास्ता दिखाने वाले आप हैं किशोर की मौत से उसके परिवार को बहुत दुख हुआ और ये दुख मैं भी झेल नहीं पाया हम कमांडोज को जिंदगी का खतरा रोज रहता है और आज मेरे साथ ऐसा हुआ है लेकिन इस देश की रक्षा करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं लेकिन मेरी बीवी संध्या उसने तो अभी अभी जिंदगी की शुरुआत की है वो सिर्फ मेरा हंसता हुआ चेहरा देख पाई है उसे उसी चेहरे के साथ जीने दीजिए इसीलिए मेरे जाने के बाद मेरा शरीर वो ना देखे यही मेरी इच्छा है जिस जमीन की रक्षा के लिए मैंने अपनी जान दी उसी जमीन में मुझे दफन कीजिए इस कश्मीर की जमीन में दफन कीजिए यही मेरी आखिरी ख्वाहिश तुम्हें पता नहीं हम सब मुसलमान एक हैं हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं पता नहीं ये लोग कहां से आए हैं हमारी जन्नत को बर्बाद करने के लिए तुम्हारा कभी भला नहीं होगा कभी भला नहीं होगा तुम कभी आबाद नहीं होगे लोग शैतान हो शैतान तुम लोग जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ सुनिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारा एक सुंदर बेटा है और इस देश की रक्षा के लिए मैं अपने बेटे को मिलिट्री ऑफिसर ही बनाऊंगी चाहे कुछ भी हो आप अपने बेटे से कभी मिल नहीं पाए मुझे इस बात का दुख रहे आपका आशीर्वाद उसके साथ रहे मौत एक मिलिट्री ऑफिसर का अंत नहीं है जय का बेटा भी एक मिलिट्री ऑफिसर बनेगा और जय का अधूरा काम ये करेगा Thank you.
हिंदुस्तान का हर बच्चा जय बनना चाहेगा। I have served my country. I have kept the faith. I have done my duty. मेजर महादेवन,